नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गुलिस्ता। बस्ती एमपी एमएलए कोर्ट ने अपहरण मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को पुलिस की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया है। 22 साल पुराने केस कोर्ट ने एसपी बस्ती को पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीम गठित करने का निर्देश भी दिया है। आरोपी अमरमणि को वारंट तामील कराकर 1 नवंबर को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा है कि पूर्व तिथि में भी अमरमणि को न्यायालय में उपस्थित किए जाने का आदेश पारित किया गया था। वरिष्ठ जेल अधीक्षक जिला कारागार गोरखपुर से प्राप्त आख्या से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश शासन कारागार प्रशासन द्वारा अमरमणि को 25 अगस्त को कारागार से रिहा कर दिया गया है। बावजूद इसके वो कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। आरोपी अमरमणि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जा चुका है और ऐसे में अब कोर्ट ने एसपी बस्ती को स्पेशल टीम बनाकर अमरमणि की गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इसके पूर्व 16 सितंबर को एमपी एमएलए कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि डिप्रेशन के आधार पर अमरमणि को कोर्ट में पेशी से छूट नहीं मिलेगी। मामले में दो और भी आरोपी की भी फरार है और गोरखपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने कहा था कि आरोपी डिप्रेशन के आधार पर कितने दिन जिला कारागार में निरुद्ध रहा और कितने दिन अस्पताल में रहा, इसकी हाजिरी रिपोर्ट की अगली तारीख में पेश की जाए। तो अब बात करेंगे पूरे मामले की। तो बता दें कि 6 दिसंबर 2001 में बस्ती कोतवाली क्षेत्र के गांधीनगर के धर्मराज गुप्ता का बेटा किडनैप हो गया था। अब तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के लखनऊ में मौजूद आवास से पुलिस ने धर्मराज के बेटे को बरामद किया था और इस पूरे मामले में पूर्व विधायक के साथ 9 और भी लोग आरोपित हैं। अब इसमें पूर्व विधायक अमरमणि त्रिपाठी, नैनीश शर्मा और शिवम उर्फ रामयज्ञ कोर्ट में गैर हाजिर चल रहे हैं और जिसके मुकदमे की कार्यवाही लंबित है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।